दोस्तों ये जीरो डिग्री कोण का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप है, नेक्स्ट टाइप है। इसमें आपको ये पूछ लेता है कि कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी या कब दोनों सुइयों के बीच में जीरो डिग्री का कोण बनेगा। अब जीरो डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना होता है, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हो, ओवरलैप करती हों, ठीक है। तो इसका एक बेसिक फंडा ये है, ये देखिए हर घंटे में, हर एक घंटे में एक बार दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी यानी ओवरलैप करती हैं। इसका मतलब हर घंटे में बस एक ही बार जीरो डिग्री का एंगल बन सकता है, ठीक। लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक कम हो गया है और यहाँ दो कम हो गया है। ऐसा इसलिए होता है जब 12 घंटे का ये जो सर्कल है पूरा 12 घंटे इसमें शो करते हैं एक एक चक्कर में, तो उस समय एग्जैक्ट 12 बजे और 1 बजे के बीच में दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। तो एक चक्कर जब चल जाएगा तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी 12 और 1 बीच में, यानी टोटल जब दो चक्कर लगाती है, एक दिन में दो चक्कर लगाएगी सुई घंटे वाली, उस समय 12 और 1 बजे के बीच में वो ओवरलैप नहीं करते, इसलिए दो हम लोग कम यहाँ शो करते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए समझना क्या है, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आता है जीरो डिग्री पूछ लेता है तो आपको उसको उस अंतराल में दे देगा 3 से 4 के बीच में, पता करिए जीरो डिग्री कब बनेगा। तो उसमें जो पहली संख्या होती है 3 से 4 के बीच में जो पहली संख्या होगी 3, उसको आप 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं होता है, इजी है। और आपको देखिए बस ये फंडा याद कर लेना है, एक घंटे के बीच में एक ही बार ओवरलैप कर सकते हैं, 12 घंटे के बीच में 11 बार, 24 घंटे के बीच में 22 बार। ये 12 घंटे में 11 बार इसलिए होता है क्योंकि 12 और 1 बजे के बीच में वो ओवरलैप नहीं कर पाती हैं, ठीक। तो पूरे दिन में दो बार ये राउंड लगाती है घंटे वाली, यानी दो बार आएगा तो जो 24 घंटे में 22 ही बार हो जाएगा, ठीक। अब इसको लगाने का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। लेकिन उसके पहले आप ये फार्मूला ज़रूर याद कर लें कि अगर एग्जाम्पल दे देगा ऐसे 3 से 4 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन में जो पहले वाला नंबर होता है उसको आप 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही ट्रिक है, कितना आ जाएगा 180/11, 360/11 मिनट। ये बस मैं बेसिकली समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्या करना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये पहला सवाल है, आप देख सकते हैं इसमें पूछ दिया 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। हमने पहले ही बताया है कि हर एक घंटे में, एक घंटे के अंतराल में, हर एक घंटे में 3 से 4, 5 से 6, 6 से 7, हर घंटे में दोनों सुई सिर्फ एक बार ओवरलैप करती हैं, यानी 0 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनता है। दोनों सुइयाँ एक ही बार सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं हर घंटे में। तो 0 डिग्री जब भी बनेगा सिर्फ एक ही बार बनेगा एक घंटे के बीच में। और आपको पता है 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटों में 22 बार बनता है। तो ये क्वेश्चन है पहला वाला, 3 से 4 के बीच में बताना है। तो इसको हम लोग ट्रिक से ही देखेंगे क्योंकि आप बेसिक मेथड लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कंपटीशन पीछे रह जाएंगे। तो हम लगाते हैं पहला क्वेश्चन ये, तो इसमें दे दिया 3 से 4 के बीच में बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 60/11 करेंगे और 3 से 4 के बीच में बोला है, यानी पहला नंबर क्या है 3, 3 से 4 के बीच में बोला है तो पहला नंबर क्या है 3, तो इस 3 को आप लेंगे यहाँ पे रख देंगे, ठीक। अब आप मल्टीप्लाई करिए 60 से, कितना आ गया 180, 60 त्याई कितना होता है 180। अब 180/11 इसको आप डिवाइड करिए या फिर ऐसे भी रख सकते हैं आप आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से,
लेकिन इसको अगर 11 से हम लोग कट करेंगे तो आप देखेंगे कितना बार में जाएगा, 11 वन जो 11 और आपका बचा क्या 70 बचा, यानी 11 सिक्स जा 66, फिर कितना बचा 4/11, इतना मिनट होगा। यानी हम कह सकते हैं तीन और चार के बीच में दोनों सुइयों के बीच ये वाली पोर्शन उठाते हैं, यहाँ लिखते हैं 3:16 / 4/11 मिनट पर, 3:16 / 4/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी 0 डिग्री का कोण या एंगल बनाएंगे। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी मध्य दिया रहता है 3 और 4 के बीच क्वेश्चन उठाना है, पहला वाला नंबर आपको लेना है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करिए, 2/11 करिए, जितना आ गया उतना मिनट, वही आंसर हो गया। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें 5 और 6 के बीच में पूछ लिया 0 डिग्री कब बनता है, तो नॉर्मली आपको वही पहला वाला मेथड लगाना है, यानी 60/11 × 5 कर देना। आपको पहला वाला डिजिट क्या है, 5 है, 5 और 6 के बीच में पूछा है, पहला डिजिट क्या है, 5 है, उसको क्या करेंगे आप 60/11 × 5 कर देंगे, कितना आ गया 300/11 मिनट। अगर ऑप्शन में इस तरह दिया है तो आप इसी को टिक मारेंगे आंसर, अदरवाइज इसको आप तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या होगा आप इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2/7 / 3/11 मिनट, यानी 5:27 / 3/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक, दोनों सुई ओवरलैप कर जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया 1 और 2 के मध्य कब 0 डिग्री का एंगल बनता है। आप ये क्वेश्चन साइड में देख रहे हैं तो ये ऐसा ही फॉर्मेट आता है, SSC हो आपका, SI वाला हो पेपर, या फिर जिसमें भी क्लॉक वगैरह आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना, वीडियो में भी आता है ये क्वेश्चन इस टाइप के क्लॉक के, तो देखिए आपको करना क्या, सबसे पहले क्या है 60/11 तो आपको याद रखना है, 0 डिग्री निकालना है, तो 0 डिग्री क्या ये हर जगह आपका काम आएगा, मैं आके बताता चलूँगा, इंटू क्या कर देना 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60/11 मिनट हो गया, इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/5 = 55, यानी 5 क्या बचा आपका रिमाइंडर बचा, उसको ऐसा लिख दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1:05 / 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा, या दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 10 से 11 के बीच में पूछ लिया 0 डिग्री कब बनेगा, ये ऐसे ही पूछ सकता है 10 और 11 के बीच में कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो आपको समझ जाना है वो 0 डिग्री पूछ रहा है, तो इसको भी लगाने का वही फॉर्मेट है यार, सब में वही है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले क्या करना 60/11 × 10 कर देना है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 600/11 आएगा, 600/11 आएगा, अब 600/11 जो आया है तो इसमें आपको 11 से तोड़ भी सकते हैं, या फिर ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा 600/11 अगर दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ने बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ भी सकते हैं आप, 11 से तोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5/4 यानी 54/6/11 आ जाएगा, अगर 11 से आप काटेंगे तो कितने बजे बोल रहा है 5, 6, 10 और 11 के बीच बोल रहा है, यानी जो पहला वाला नंबर रहता है उसको यहाँ ले लेते हैं, यानी 10:54 / 6/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, या 0 डिग्री बनाएंगे या ओवरलैप करेंगे, जो भी पूछ देगा आपको देख के मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 10 से 11 के बीच में पूछ लिया 0 डिग्री कब बनेगा, ये ऐसा ही पूछ सकता है 10 और 11 के बीच में कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो आपको समझ जाना है वो 0 डिग्री पूछ रहा है, तो इसको भी लगाने का वही फॉर्मेट है यार, सब में वही है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले क्या करना 60
बाई इलेवन, 60 by 11 इंटू 10 कर देना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, बाई 11 आएगा, 600 बटा 11 आएगा। अब 600 बटा 11 जो आया है तो इसमें आपको 11 से तोड़ भी सकते हैं, या फिर ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा 600 बटा 11 कर दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ने बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ भी सकते हैं आप, 11 से तोड़िए। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5, 4 यानी 54 से ही 6/11 आ जाएगा, अगर 11 से आप काटेंगे तो। कितने बजे बोल रहा है, 5, 6, 10 और 11 बजे बोल रहा है, यानी जो पहला वाला नंबर रहता है उसको यहाँ ले लेते हैं, यानी 10:54 से ही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, या 0 डिग्री बनाएंगे या ओवरलैप करेंगे, जो भी पूछ देगा आपको देख के मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दे दिया 6 और 7 के बीच में आपका 0 डिग्री बताना है, फाइंड करना है। 0 डिग्री फाइंड करने के लिए आपको वही मेथड लगाना है, 60 by 11। देखिए मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन बताऊंगा, हर टाइप का, और 5-6 क्वेश्चन लगा के रिवीजन करवा दूंगा, तो मैं वही कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा 0 डिग्री निकालना कैसा है। लेकिन अभी देखिएगा 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको समझने पड़ेंगे, थोड़े कठिन आ जाएंगे, हालांकि जो भी मैं कर रहा हूँ सारे सीजीए लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ये देखिए 6 से 7 के बारे में पूछ दिया है, यानी उसको सबसे पहले क्या करेंगे, 60 by 11। अब सबसे पहली नंबर कौन सी है उसमें, 6 और 7 में 6 दे दिया है, ठीक, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 360 by 11। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे 11 से 360 को तो जाएगा 11 3 जा 33, बचा क्या आपका, आपका बच गया कितना, 3 यहाँ पर, तो ये क्या कितना हो जाएगा, ऊपर 30 है तो 11 से 30 काटेंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 22, बचा कितना, 8, ठीक है। आपको इसको ऐसे भी लगा सकते हैं यार आप, ये हो गया 11 3 33 हो गया, बचा कितना, 3, ये 0 11 2 22, 8 रिमाइंडर बच गया, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जो आंसर जो इधर आता है आंसर साइड में उसको यहाँ लिख देते हैं, और जिससे करते हैं डिवाइड उसको तो भाई नीचे लिखना पड़ेगा, डिवाइड कर रहा है तो। और कितने से कितने बजे के बीच में बोला है, 6 से 7 बजे के बीच में, ठीक, यानी 6 पहला नंबर लेते हैं, 6:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगे या 0 डिग्री बनाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये दूसरे टाइप का है, इसमें भी 0 डिग्री निकालना है आपको, लेकिन आपको ये देखिए इंटरवल इसने थोड़ा अलग टाइप का दे दिया है, यानी 2:09 से लेके 3:09 के बीच में पूछ दिया 0 डिग्री कब बनेगा। अब तक तो सारे क्वेश्चन आपने देखा था कि राउंड फिगर में थे, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन इसमें मिनट भी दे दिया है साथ साथ, यानी 2:09 से 3:09 के बीच में कैसे लगाएंगे। तो इसको बस एक ज़रा सा स्टेप है आपको समझना पड़ेगा, मान लीजिए 2 से 9 के बीच में पूछ रहा है, 2:09 से 3:09 के बीच में पूछ रहा है, तो देखिए इसको कैसे करना है। 2:09 जो होता है वो 2 और 3 के बीच में आता है, 3:09 जो होता है वो किसके बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में तो आता है। अब इन दोनों का जो पहला पहला नंबर है उसको आपको ले लेना है और सिंपल वही 60 by 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 60 by 11 into 2 यानी 120 by 11। इसको आप ब्रेक करेंगे कितना आ जाएगा, 11 से अगर करेंगे 120 को तो आ जाएगा 10, इतना आ जाएगा, ठीक। और 3 को अगर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 60 by 11 into 3 यानी 180 by 11 आ जाएगा आपका। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे 11 से तो आपको कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा इतना 16 से 4/11, ठीक। अब आपको पता है 2 से 3 के बीच में पूछ रहा है, 2:09 से 3:09 के बीच में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग बनाए इंटरवल राउंड फिगर में, यही आया है, यही तो आया। और इसको अगर तोड़े हैं राउंड फिगर में, 3:09 को 3 और 4 आया, इसमें पहले नंबर लेके हमने ऐसा बना दिया। अब देखिए आपके पास 2-2 नंबर आ रहे हैं, 2-2 आंसर आ रहे हैं, ठीक। अब इसको पहले हम वैसे लिख लेते हैं, एक तो ये हो गया
पहले नंबर के साथ इसको लिखना होता है। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये हो गया। लेकिन आपको पता है 0 डिग्री 1 घंटे के बीच में सिर्फ एक ही बार बन सकता है, ठीक। अब इन दोनों को देखिए कौन सा इस रेंज के अंदर बिलोंग करता है, इस रेंज के अंदर इन दोनों में से कौन सा आ सकता है। 2:09 के बाद क्या, 2:10, यानी ये आ सकता है। 3:09 के बाद 3:16 आएगा, यानी ये रेंज से बाहर है, ठीक। तो आंसर क्या होगा, ये पहला वाला, यानी 2:10 सही, 10:11 पे 0 डिग्री का दोनों बनाएंगे कोण, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, 8:31 से 9:31 के बीच में इसने 0 डिग्री का कोण पूछ लिया है। तो इसको भी लगाने का क्या है मेथड, आप क्या बताए हैं। 8:31 दिया है और 9:31 दिया है, इसको आप पहले राउंड फिगर बनाइए, ठीक है। 8:31 किसके किसके बीच में आता है, 8 और 9 के बीच में, और 9:31 है वो किसके बीच में आएगा, 9 से 10 के बीच में। और इन दोनों का पहला नंबर को लेके आपको 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 60/11 इंटू 8, और इसको करेंगे 60/11 इंटू 8, ठीक। इसको करेंगे कितना आएगा, 480/11। इसको करेंगे, ये भी वही आएगा, सॉरी यहाँ 9 होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 540/11। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ब्रेक करिए, ब्रेक करेंगे तो इसको अगर ब्रेक करेंगे आप तो ये आ जाएगा 43 सही, 7/11 इतना मिनट आएगा, ठीक। और इसको अगर ब्रेक करेंगे आप तो ये आएगा 49 सही, 1/11 ये आ गया। अब इन दोनों को पहले आप उसी फॉर्मेट में रख लें कि कितने बजे बजे कितना बजेगा। इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या है, 8:43 सही 7/11 मिनट, ठीक। ये हो गया पहला। इसको अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या है, 9:49 सही 1/11 मिनट। अब इन दोनों नंबर में देखिए कौन सा नंबर इस रेंज में बिलोंग करता है, आपको देख के पता चल रहा है इन दोनों को, ये वाला बिलोंग करेगा और ये वाला रेंज से बाहर चला जाएगा, 31, 32, 33, 49 तब आएगा। यानी कौन सा नंबर सही है, कौन सा आंसर सही है, 8:43 सही 7/11 मिनट में दोनों सही के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन 5 रख दिए हैं और सिंपल जो राउंड फिगर वाले थे उसको भी 5 हमने रखा था। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछ दिया 7:40 से 8:40 के बीच में, तो आपको हमने बताया क्या करना है, 60/ पहले तो आपको ऐसे लिख लेना, 7:40 से 8:40 के बीच में इसने पूछा है। इसको आप ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 7 से 8 के बीच में बचता है, 8:40 किसके बीच में बस आएगा, 8 और 9 के बीच में। 7:40 किसके बीच में आता है, 7 बजे और 8 बजे के बीच में, 8:40 किसके बीच में आता है, 8 बजे और 9 बजे के बीच में। तो हमने ऐसा लिख लिया, और पहला नंबर क्या है उसको उठाते हैं और उसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60/11 इंटू 7, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा, 420/11, ये कितना आएगा, 480/11। जब इन दोनों को ब्रेक करेंगे आप 420 को 11 से, तो कितना बन जाएगा, 11 3 33 8 9 11/88, और कितना बच गया ऊपर, 2, यानी 38 2/11 बार में 420 कटेगा 11 से। और पहला नंबर क्या है, 7 और 8, यानी 7 रख देंगे, ठीक। यानी पहला तो ये आ गया। अब इसको देखेंगे 480/11 को,
इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 11 से कटेगा कितने बार में, 11 चौके 44, 4 बचा यानी 40 बचा, 11 3 33, अब कितना बच गया, 7, पहला नंबर क्या है 8, तो 8 यहाँ रख देंगे। अब इन दोनों नंबर को आप कंपेयर करेंगे इससे, देखिए कौन सा ये दोनों जो है कौन सा इस रेंज में बिलोंग कर सकता है, 7 38 7 40 से छोटा हो जा रहा है यानी ये तो नहीं आएगा, 8 43 ये भी नहीं आएगा। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा, अगर ऐसा दे दिया तो दोनों नहीं आएंगे, तो आंसर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको सी एंड डी लगा देना है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7:48 से 8:48 के बीच में पूछ दिया 0 डिग्री कब बनेगा या एक दूसरे के ऊपर दोनों सुइयां कब आएंगे। तो अब इसको लगाने के लिए भी आपको वही करना है, 7:48 लिखेंगे और 8:48। ठीक, इसको आप ब्रेक करिए तो 7:48 होता है वो किसके इस बीच में आता है, 7 और 8 के बीच में, और 8:48 किसके बीच में आएगा, 8 और 9 के बीच में, 8 बजे और 9 बजे के बीच में आएगा। अब इसका जो पहला नंबर होता है उसको 60/11 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही ट्रिक है, 420 आ गया, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 480 आया बटा 11, इसको आप ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे 420/11 इसको करेंगे तो आप ये भी वही आएगा 38 सही, 2/11 एंड 7:38 पहला नंबर ले लिए यहाँ पे, इसको करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 8 बजे ये कितना आएगा, 43 सही, 7/11। ठीक, ये आप फिर से समझ लो कैसे आता है। सबसे पहले आप 480 लीजिए, 11 से आप डिवाइड करिए, 11 चौके 44, अब 40 तो जाएगा नहीं 11 से, कितने बार हो जाएगा, 3 बार में 33 बचा, क्या रिमाइंडर सा, रिमाइंडर को हमेशा ऊपर रख देते हैं, यहाँ 7 डिवीजन जिसे डिवाइड करते हैं 11 इन्हें यहाँ रख देंगे और 43 को यहाँ साइड में रख देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों आ गए, अब आपको देखना है इन दोनों में कौन सा इस रेंज में बिलोंग करता है। ठीक, कौन सा नंबर इस इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, 7:38 तो ऐसे ही नहीं है, 8:43 हाँ ये आ जाएगा, ये आंसर हो सकता है। अब देखो दोस्तों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 7:40 था और यहाँ 8:40 था, तब ये नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने 8-8 मिनट दोनों बढ़ा दिया ये अगला क्वेश्चन में, तो ये तो चलो नहीं रहेगा, लेकिन ये देखो 8:43 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये लगा सकते हैं, ये वाला आंसर आ जाएगा आपको, 8:43 सही, 7:11 पर दोनों सुइयां 0 डिग्री बनाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स ये इसमें आप देखिए क्वेश्चन में दे दिया है 4:15 से लेकर 5 बजे के बीच में, यानी सिर्फ 45 मिनट का गैप दे दिया है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4:15 दे दिया है से लेकर कितने 5 बजे के बीच में। अब 4:15 जो होता है उसको पहले ब्रेक करके आप राउंड फिगर मिला दीजिए, यानी 4:15 किसके के बीच में आता है, 4 बजे और 5 बजे के बीच में, 5 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको आप लेंगे, जब इसको जब आप तोड़ेंगे तो पहले वाला नंबर को आप 60/11 करिए, 4 240 आया। अब इस 240 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, बचा कितना, ये पहला नंबर क्या है 4:21 से 9:11 पर ये 0 डिग्री बनाएगा। अब देखिए इसको हमने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी वही आया, यहाँ पे भी वही आया, ये अब क्वेश्चन
जो हमने शुरू के 5 लगवाए हैं उसके जैसा बन गया, ठीक है। अगर यही यहाँ पे कुछ और दे देता मिनट में तो हम ब्रेक करके उसका पहला नंबर लेते हैं, हालांकि यह नहीं दिया है इसलिए उसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब 4:21 आप रेंज में मिला लीजिए, इसके बीच में आ जा रहा है तो यानी यही आंसर होगा, ठीक है। अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें 90 डिग्री का हम बताएंगे सारे तरीके, उसके बाद हम बनाएंगे 180 पे, और सबसे लास्ट में बनाएंगे हम मिरर, मिरर इमेज, दर्पण वाला, पानी का जो प्रतिबिंब बनता है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं।